गरीब रथ एक्सप्रेस और इधर खड़ी भी जयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो देखते प्रायोरिटी किसको मैटर करती है वो देखते हैं। बात है कि किसको पहले डिपार्चर मिलता है, गरीब रथ को मिलता है या उदयपुर जयपुर इंटरसिटी को मिलता है। टाइम तो वैसे 26 दोनों के हो गए वैसे ऑलमोस्ट, कि मेरे को गरीब रथ को रोक के इसको कैसे प्रायोरिटी मिल गई, मतलब आज गरीब रथ को ना छोड़ के इसको छोड़ के, मतलब तो ये क्या बात है, मतलब ये बात समझ में नहीं है कि गरीब रथ को कैसे छोड़ दिया आज पीछे। तो कोई नहीं, वंदे भारत को भी ओवरटेक शुरू कर दीजिए। तो इधर हो रहा है ये रहा WP5 बांद्रा गरीब रथ का एक्सप्रेस का, तो उसको ओवरटेक करके जा ही रहे फाइनली। तो फाइनली ही डिपार्चर जयपुर जंक्शन। मेरे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे मतलब प्रायोरिटी मिल गई। बाय जयपुर जंक्शन। तो आया और गए बस, ये फाइनली डिपार्चर जयपुर। तो ये शायद हो सके थी आलता एक्सप्रेस सिग्नल रोक दिया। WP7 है तो आलता क्यों रुक गया है। तो ये है सियालता एक्सप्रेस, अजमेर सियालता एक्सप्रेस आप की है जयपुर के बीच।
सेक्शन तक का, बस अभी तब ने कि गरीब से ओवरटेक करेगी कि नहीं करेगी आज तक, क्योंकि इसका ना तो जो लोग पहुंच गया है आसम जोलबा स्टेशन, जिसका का इसका भी अभी इसका भी काम चला रही है डेवलपमेंट का, मतलब हर स्टेशन का उन्होंने कुछ काम चल ही रहा है अमृत भारत योजना के तो एन डब्ल्यू आर के वैसे तो चलो चलना भी चाहिए बात तो सही। चलो बाकी लोकोमोटिव डब्ल्यू पी सेवन ही तो मैंने देख लिया था, वो बस हाई रिस्क वाला सेक्शन है भाई पूरा अभी तो अजमे तो इस सेक्शन इज हाई रिस्क और 130 का स्पीड एक्शन तो भाई अल्टीमेट तो होते ही वैसे, बस गरीब इतना आता था ठीक रहता उसमें भी, ऐसे हालत खराब हो रही मेरी तो भागना पड़ी। अब तो भाई बिल्कुल डब्ल्यू पी सेवन के पास में ही है, लोकोमोटिव डब्ल्यू एच पर तो ये वो इधर डब्ल्यू एच जी 12 इंडिया मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है, डब्ल्यू एच जी 12 मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव वेट क्लियर सिग्नल तो
मैं आवाज़ है फुलेरा जंक्शन तो भाई फुलेरा में भीड़ चलती तगड़ी। फाइनली पहुंच गया है फुलेरा जंक्शन। फुलेरा जंक्शन इसलिए होता है क्योंकि एक रिंगस्ट्री लाइन गई है, एक लाइन गई आपकी जोधपुर के लिए, बाकी एक लाइन अजमेर के लिए, एक लाइन जयपुर के लिए, तो इसलिए जंक्शन हो जाता है इम्पोर्टेंट। और रास्ते सांबर लेक वो लाइन गई है तो वो जोधपुर जाती है बाकी रिंगस के लिए, तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट जंक्शन रहता है फुलेरा एक। इधर से अलग हो जाएगी और एक बार WAP 7 का हवाई देख लेते एक बार सुपर। WAP वो शायद से खड़ी है भोपाल जोधपुर हो सकती है, आई थिंक आप पता नहीं कौन सी ट्रेन है। तो चुका वैसे 3:57 का टाइम था, 3:20 हो रहे, बहुत डीलो हो गया, बस देखते कवर कर लेगी। अभी बांधा करीब पीछे चल रही है, अब उम्मीद तो नहीं है कि वो हमसे आगे निकल जाए, लेट्स सी। देखते अभी भी बाकी है अजमेर तक का सफर, 80 किलोमीटर बाद सफर बाकी है। फिर से WDG 4G के साथ में जितनी तो पहले एक्सप्रेस ट्रेन नहीं बची और सर बस नहीं चलती इस लाइन पर WDFC के बाद भी। चल चलो फिर मुलाकात होगी WDG 4G के साथ में। और हमारे भी एक्सप्लेनेशन हो चुका है स्टार्ट 1 सिटी का, वहाँ पहुँच जाएगी। चलो मुलाकात तो हो गई फिर भी।
बाद फाइनली चलो आधे घंटे की डिले था बहुत। फाइनली रुकते रुकते आउटर पे आई गई फाइनली। कोई कौती कोच में फट गया है कोई हमको बताए। चलो तीन बार आउटर पे रुका तो इतनी कुछ भीड़ ज़्यादा ही लगता है। आप पूरी ट्रेन जयपुर से नहीं अजमेर से फिरती है ऐसा लगता है।